लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ी हुई ऊष्मा की वजह से मैं घूमकर गति भी नहीं ले पा रहा हूं। तू अब खत्म हो जाएगा शक्तिमान, तू अब खत्म हो जाएगा। तेरे अंदर ये समाई रोशनी खत्म कर देगी तुझे। अब इस रोशनी को तू बाहर नहीं निकाल सकता। इस रोशनी को बाहर निकालना बेकार है शक्तिमान, बेकार है। करूं मैं इस ऊष्मा का? इतनी ऊष्मा को मैं नहीं संभाल सकता। इतनी ऊष्मा तो केवल सूर्य संभाल सकता है। इस ऊर्जा से वो शैतान दोबारा पैदा ना हो, उसका एक ही उपाय है, सूर्य देवता के नजदीक जाकर अपने अंदर बड़ी सारी ऊर्जा को अर्पित कर दो। सूर्य देवता, मैं एक दृष्टता करने आया हूं। मैं अपने अंदर समाई हुई शैतानी शक्ति को आपको अर्पित करने आया हूं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आप ही ऐसे हैं जो हर तरह की ऊर्जा को अपने अंदर समा सकते हैं। Oh,
आप धन्य हैं सूर्यदेव, धन्यवाद। इस बार भी बच गया तू शक्तिमान, यानी एक बार फिर अंधेरे को करनी होगी तुझे मारने की कोशिश। नाकाम कोशिश को, नाकाम कोशिश के सिवाय तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम मेरा रूप, मेरी आवाज, आखिर कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मेरा भविष्य? हाँ, तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे भविष्य से आया हूं, और भविष्य से आने की वजह तुम हो तमराज कलविश। तुम, मैं कैसे तुम्हारे भविष्य से वर्तमान में आने की वजह मैं कैसे हो सकता हूं? तुम्हारी वजह से कमजोर हो रहा है भविष्य में अंधेरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक शक्तिमान को नहीं खत्म कर पाए तुम, जिसकी वजह से खत्म हो रहा है दुनिया में पाप, मिट रहा है दुनिया में अंधेरा, और इसका फर्क पड़ रहा है भविष्य पर। आज शक्तिमान की वजह से दिनों दिन बढ़ते हुए धर्म के कारण जन्मा रहा है पूरी तरह से भविष्य में अंधेरे का साम्राज्य, और इन सब की वजह है सिर्फ तुम्हारी नाकामयाबी। हाँ, तुम्हारी नाकामी वर्तमान में तुम्हारी नाकामी का सबूत है अंधेरे का खराब भविष्य। अगर सच में तुमने पाप फैलाया होता, शक्तिमान को खत्म कर दिया होता, तो मुझे जरूरत नहीं थी आज वापस आने की। इसलिए भविष्य में अंधेरे को कायम रखने के लिए जरूरत है इस युग में पाप को बढ़ाने की, इतना अधिक बढ़ा देने की जिससे भविष्य में सिर्फ पाप ही पाप हो। तब सिर्फ अंधेरे का ही राज होगा। ये ठीक है कि तुम भविष्य से वर्तमान में पाप बढ़ाने आए हो, लेकिन भविष्य से वर्तमान युग में आए कैसे हो? इस समय यंत्र के जरिए मैं जिस युग में चाहूं उस युग में जा सकता हूं। इस समय यंत्र के सहारे तोड़ दिए हैं मैंने वक्त के सारे बंधनों। ये समय द्वार है, इसके सहारे मैं समय यात्रा कर सकता हूं। कुछ समझ में आया? तो समय यात्रा करके तुम इस युग में पाप बढ़ाने आए हो, पर ये मत भूलो कि मैं वर्तमान हूं। जब मैं नहीं फैला पा रहा हूं अंधेरा, तो तुम इतनी जल्दी कैसे फैला पाओगे पाप को? ये है मस्तिष्क नियंत्रण यंत्र। मस्तिष्क नियंत्रण यंत्र? हाँ, इस यंत्र के सहारे मैं किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में कर सकता हूं, उससे जो चाहे करवा सकता हूं, यहां तक कि शहर के सारे लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में कर सकता हूं, उन्हें पापी बना सकता हूं। लेकिन तुम्हें वर्तमान में आने की क्या जरूरत थी? तुम वहीं रहकर अपने मस्तिष्क नियंत्रण यंत्र से लोगों को पापी बना सकते थे। नहीं, ये मुश्किल था। सूर्यांशियों द्वारा बनाया गया यह यंत्र मैंने चुरा कर हासिल तो कर लिया,
मगर अब सूर्यांशी वहां पूरी तरह हावी है। उनके उन्नत यंत्रों के सामने मैं टिक नहीं पाता था। मेरे हाथों में इस यंत्र को देखकर मुझसे छीन लेते वो। उन्हें पता चल चुका था कि मैंने इस यंत्र को चुराया है, इसलिए कोई ना कोई सूर्यांशी मुझे ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। इसीलिए वहां से कोई आए, इससे पहले मुझे पाप को यहां बढ़ा देना होगा। अगर मैं यहां पाप बढ़ा दूंगा तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। भूतकाल में किया गया कोई भी परिवर्तन वर्तमान और भविष्य को बदल देता है। अगर आज मैं शक्तिमान को मार दूंगा तो भविष्य के लोग जान भी नहीं पाएंगे शक्तिमान को। अगर आज मैं पाप बढ़ा दूंगा तो अपने आप पापी हो जाएंगे लोग, धर्मात्मा लोग। इसीलिए आज मैं पूरी दुनिया में पाप फैला दूंगा, पाप ही पाप। और इसकी शुरुआत करूंगा मैं उस शहर से जहां शक्तिमान रहता है। और इस काम में मेरी मदद करेगा अंधेरे का नुमाइंदा रंजन, कुमार रंजन। कुमार रंजन अंधेरे का नुमाइंदा, मगर वो ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा भविष्य हूं और आने वाले सालों में भविष्य का नुमाइंदा बन जाएगा कुमार रंजन। आइए गीताजी। कुमार जी आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ये बहुत ही डरपोक आदमी है, कहीं छुप गया होगा। नहीं गीताजी, वो हमारे साथ था, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो ठीक ठाक है या नहीं। पता नहीं वो घर पे आया भी होगा कि नहीं। यही घर बताना आपने? हाँ घर तो यही है, लेकिन देखिए ना लाइट भी ऑफ है, शायद वो घर पर नहीं आया होगा। हो सकता है कि वो अंदर लाइट ऑफ करके सो रहा हो। अब हम यहाँ तक आए गए हैं तो हम उसे उठाकर उसका हालचाल ही पूछ लेते हैं। तुम आओ मेरे साथ, लेकिन तुम आओ मेरे साथ प्लीज। देखो गीता, इस दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है कि गंगाधर जी अंदर ही हैं। प्लीज सुन, नॉक करो। ठीक है। तो ये लोग हमें ढूंढते हुए यहां भी आ गए। लोग बन गए गंगाधर। अरे गंगाधर जी आप क्या देख रहे हैं? हम उस राक्षस को देख रहे हैं कि कहीं वो भी हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक ना पहुँचाओ। काफी भयंकर था ना वो? अरे वो... उससे तो शक्तिमान ने निपट लिया है। तुम बताओ तुम कहाँ चले गए थे? हम? अरे वो हम तो वो ये अंदर आइए ना, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए अंदर आइए, आइए अपना ही घर समझिए, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए 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 आइए, विराजमान होइए, आप भी विराजमान होइए, बैठिए। हाँ अब बताइए आप क्या लेंगे? चाय, जल, शरबत, ये फल लेंगे फल? वैसे भी आपने खाना नहीं खाया होगा, राक्षस जो आ गया था। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गंगाधर। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे, है ना मिस्टर कुमार? हाँ सचमुच। अब हम आपको क्या बताएं देवी जी, आप तो जानती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम कितने भयभीत हो जाते, कांपने लगते। हाँ जब जब वहाँ पर वो राक्षस आ गया ना
तो हमें लगा कि शक्तिमान भैया अगर समय पर नहीं पहुंचे और उस राक्षस ने हमको शक्तिमान भैया समझकर हमको पकड़ लिया तो हम तो खाली पीली जान से मारे जाते हैं ना। ठीक कहा ना आपने कुमार जी? हाँ, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई? हम भी तो जाने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी क्लब से आपके घर पर अभी आए, लेकिन हम कार से आए हैं और मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ कि आप पहले से घर में मौजूद हैं, आपने कपड़े भी बदल लिए और आप सोने की तैयारी भी कर रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी आप अपने घर पहुंच कैसे गए? हाँ गंगाधर, इनके सवाल का जवाब दो ना। अब हम कैसे जवाब दे देवी जी, हमारे स्वयं की समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। अब क्या हुआ बंधु कि जब हम उस बच्चे को उठाकर जब हम भागकर बाहर आ गए ना, तो हमने देखा कि वो राक्षस जो है ना वो सारी चीजों को जलाकर भस्म कर रहा है। हमें लगा कि ये तो हमें भी जलाकर भस्म कर सकता है, तो हमने बच्चे को वहीं रख दिया और फिर हम भागने लगे। भागते रहे और फिर भाग कर आपके क्लब से यहाँ पहुंच गए। हम जब बचपन में बच्चे थे ना, हम बचपन में बच्चे भी हुआ करते थे। उस वक्त हम बहुत तेज धावक हुआ करते थे, हमें तो पूरे ग्राम में सर्वश्रेष्ठ धावक का हमको पदक मिल गया था। तो क्या आपका कहने का मतलब यह है कि मेरे क्लब से आपके घर तक आप यहाँ भागते हुए? क्यों, आपको क्या नहीं लगता कि हम आपके क्लब से यहाँ तक भाग कर आ सकते हैं? नहीं, आप मेरे क्लब से अपने घर तक भागते हुए आ सकते हैं, लेकिन मैं ये हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतने कम समय में आप अपने घर तक भागते हुए पहुंच गए। आप नहीं मान सकते ना? नहीं, आपको मानना भी नहीं चाहिए। क्या वो क्या है बंधु, ये सत्य है कि हम क्लब से भाग कर आए थे, पर ये सत्य नहीं है कि हम क्लब से यहां तक भाग कर आए थे। तो फिर आप कैसे आए? उड़कर, हम शक्तिमान भैया की तरह उड़कर भी नहीं आए थे। ओफो गंगाधर, ये मत बताओ कि तुम यहाँ कैसे नहीं आए, इन्हें ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे। क्या हुआ, आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं। ओफो, ये क्या कर रहे हैं? लिफ्ट 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 मांग कर आए थे। अब क्या है देवी जी, ये लिफ्ट मांगने की प्रथा का हम हमेशा से विरोध करते आए हैं। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि ये लिफ्ट मत मांगा करो, क्या पता गाड़ी में कौन बैठा है वो आपको उठाकर ले जाए। हम तो महिलाओं से भी ये कहते हैं कि कभी लिफ्ट मत मांगा करो, पता लगा कोई आदमी किसी को उठाकर ले जाए। परंतु क्या करें, उस परिस्थिति में हमारे इतने 12 बज गए थे कि हमने सोचा कि कोई देख नहीं रहा तो चुपचाप इस प्रथा को हम भी क्यों ना अपना ले। इसलिए हम बेशर्म होकर खड़े हो गए बीच रास्ते में और अत्यधिक कारों से कहने लगे लिफ्ट 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 लिफ्ट। गाड़ी आती हम कहते लिफ्ट लिफ्ट, गाड़ी चली जाती। दूसरी गाड़ी आती हम कहते लिफ्ट लिफ्ट, वो भी चली जाती। वहां से भी गाड़ी आती हम कहते लिफ्ट, वो भी चली जाती। हमें अचानक बहुत गुस्सा आया और हम हनुमान की तरह खड़े हो गए बीच राह में। अचानक सामने से गाड़ी आ रही थी वो, हमें लगा कि वो ठोक देगी हमें। गाड़ी रुक गई, हम उसके पास गए। वो महाशय बहुत अच्छे आदमी निकले। हमने कहा देखिए हम बहुत थक गए हैं, हम अपने घर छोड़ देंगे, और उसने हमको गाड़ी में लिफ्ट दे दी और हम लिफ्ट लेके यहाँ पहुंच गए। पर आप ये मत कहिएगा कि आप सिर्फ ये जानने आए कि हम क्लब से यहाँ कैसे पहुंचे। नहीं नहीं गंगाधर जी, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं, हमें आपकी चिंता हो रही थी। हाँ? हम डर रहे थे कहीं आप ठीक ठाक हैं या नहीं। हाँ? लेकिन अब हमने आपको देख लिया कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अरे एकदम तंदुरुस्त। इसलिए अब हम चलते हैं। क्यों गीता जी, क्योंकि आपको आपके घर भी छोड़ना है। अरे नहीं नहीं, आप पहली बार दोनों हमारे घर पता रहे हैं। अरे केला खाइए, अंगूर खाइए, सेब खाइए, आम खाइए, रिमोट लेकर टीवी चलाइए, न्यूज आने वाली है, जाइए कभी। नहीं नहीं गंगाधर जी, फिर कभी, अब हम चलते हैं। हाँ। तो ठीक है, अब आप इतना कहते हैं तो ठीक है। अच्छा गंगाधर, कल तुम मेरे ऑफिस में आना। क्यों क्यों भाई क्यों? शक्तिमान कॉमिक्स की ओपनिंग होने जा रही है ना परसों। यू मीन शक्तिमान भैया की सच्ची कहानियों की कॉमिक्स? हाँ वही। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार आकर कॉमिक्स देख लो फीडबैक के लिए। हाँ अवश्य 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 अवश्य। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। चलिए मिस्टर कुमार। नमस्ते नमस्ते।
तुम्हें हमारी फिक्र क्यों हो रही है मिस्टर कुमार रंजन? ये बात तो हमारी समझ में आ रही है। तुम ये जानना चाहते हो कि हम शक्तिमान हैं कि नहीं। अब ये राज तो राज ही रहेगा मिस्टर कुमार रंजन। शुभ रात्रि। कुमार रंजन, उसी के जरिए शुरुआत होगी शक्तिमान के शहर में अंधेरे को फैलाने की। रुक जाओ तमराज। तुम? द्वेज नाम है मेरा। एक सूर्यांशी बालक हूं मैं। तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे भविष्य से आया हूं। तो लौट जाओ, वापस भविष्य में लौट जाओ बच्चे। हाँ, मगर तुम भी मेरे साथ लौटोगे तमराज। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तू मुझे तमराज किल्विश को अपने साथ ले जाएगा? हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा तमराज किल्विश। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे समय यात्रा यंत्र और मस्तिष्क नियंत्रण यंत्र दोनों लौटाने होंगे, जिन्हें तुमने सूर्यांशियों की प्रयोगशाला से चुराया है तमराज। मैंने तुम्हें इन दोनों यंत्रों को चुरा कर गायब होते हुए देख लिया है तमराज। और फिर तुम अकेले ही मेरे पीछे चले आए, ये नहीं सोचा मैं तुमसे कई गुना ताकतवर हूँ। कैसे हासिल करोगे मुझसे ये यंत्र? मैं तुम्हें मार सकता हूँ बच्चे, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जिसके पास आत्मविश्वास हो, डर उसके पास कभी नहीं आता तमराज। इससे पहले कि तुम उन यंत्रों का गलत प्रयोग करो, लाओ वो यंत्र मुझे लौटा दो तमराज। लौटा दूंगा बच्चे, लौटा दूंगा। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बस। अब जिस काम के लिए लंबी समय यात्रा करके मैं इस युग में आया हूँ, वो काम तो करूंगा ही। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? शक्तिमान को खत्म करना चाहता हूँ। नहीं, फिर इस युग में पाप बढ़ाना है। जानते हो इस युग में पाप बढ़ा तो क्या होगा? हम भविष्य से आए, हमारा भविष्य बदल जाएगा। भविष्य में चारों ओर पाप ही पाप होगा। और ये तो और भी अच्छी बात है, अंधेरे के लिए पाप को बढ़ाने के लिए पाप सूर्यांशों के बनाए यंत्र से होगा। उसके बाद तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बच्चे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, लौट चलो तमराज। प्रकृति को बदलने की चेष्टा मत करो। अंधेरे का काम ही है कायनात को बदलना। अंधेरा इस युग में इतिहास को बदलने आया है और वो बदल के ही रहेगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा दोस्त। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है अंधेरे को खत्म करने की। लेकिन तुम्हें खत्म करने की ताकत अंधेरे के पास है।
मैं तुम्हें रोकते फिराऊंगा तमराज। ड्राइव हो गया, अंधेरे को रोकने चला था लेकिन उसका इस तरह गायब होना ठीक नहीं है। वो जरूर मेरे मकसद को नाकामयाब बनाने की कोशिश करेगा। जल्द जल्द से जल्द मुझे शक्तिमान को खत्म करना होगा और बढ़ाना होगा अंधेरा। रंजन कुमार रंजन। अरे आप लोग कब आए? बस थोड़ी देर पहले आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। आपको तो पता ही होगा कुमार साहब, इस बार भी बीएमसी इलेक्शन में हमारी पार्टी बहुमत से जीती है। भाई मैं ही क्या, सारा शहर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। और हाँ, बीच में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला आप लोगों से मिलने का, और हमारी इस जीत की खुशी में मैं अपने पार्टी के हर सदस्य को अपनी ओर से दावत देना चाहता हूँ। दावत तो ठीक है, वो तो हम आपसे ले ही लेंगे मिस्टर कुमार, लेकिन इलेक्शन में जीत जाने से ही पार्टी का काम खत्म नहीं होता, बल्कि हमारा असली काम तो अब शुरू होता है, नगर पालिका को चलाने का। हाँ कुमार साहब, कल टाउन हॉल में नए मेयर को शपथ ग्रहण करना है, इसलिए हमारी पार्टी ने पिछले बार की तरह इस बार भी श्री त्रिपाठी को अपना नेता चुना है। तो आपको इनके दोबारा मेयर बनने से कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज तो है मुझे, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अगर त्रिपाठी जी फिर से एक बार मेयर बनते हैं तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? और वैसे भी हमारी पार्टी में त्रिपाठी जी के अलावा दूसरा ऐसा कोई है ही नहीं जो मेयर बन सके। आप भी इस पद के योग्य उम्मीदवार हैं कुमार रंजन जी। भाई हम तो बूढ़े हो चले हैं, आप अभी जवान हैं, ये जमाना आप लोगों का है। ये लोग मुझे दोबारा मेयर बनाने की सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लिया जाए, अगर आप मेयर बनना चाहें तो मैं। अरे नहीं नहीं त्रिपाठी जी, आप इस पद के लिए मुझसे ज्यादा योग्य और अनुभवी हैं, और वैसे भी मैं तो अभी भी राजनीति में घुसा हूं। कौन है ये? चल सर, ये भयंकर सा आदमी हमारे कंपाउंड में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। कौन हो तुम? अंधेरा, अंधेरे का राजा, तमराज किलविश नाम है मेरा। तमराज किलविश, यानी वही जिसका दूत आकर मिला था मुझसे? हाँ वही तमराज किलविश। मगर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद? लोगों को अंधेरे का गुलाम बनाकर उन्हें पापी बनाना। जैसे तुम्हारा ये आदमी अब मेरा गुलाम है, इन्हें अपने निशाने पर ले लो। जी ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम इसकी बात मानकर हमें निशाने पर ले रहे हो? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं कहता हूं गन हटाओ। ये बॉडीगार्ड तुम्हारा है, लेकिन इसका दिमाग अंधेरे का गुलाम बन चुका है। ये वही करेगा जो मैं इसे कहूंगा। तुम अपने आप को खत्म कर लो। जी अब तुम सबका दिमाग अंधेरे का हो चुका है। जी अब तुम सब वही करोगे जो अंधेरा कहेगा। जी तुम्हारे अंदर छिपा पाप पूरी तरह से जाग उठा है।
जी। अब तुम्हारा नया मेयर कुमार रंजन बनेगा। शहर के नए मेयर कुमार रंजन होंगे। तुम्हें उसके साथ मिलकर पूरे शहर में पाप फैलाना होगा। जी, हम सब शहर में पाप फैलाएंगे। ठीक है, तुम सब जाओ, अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा कायम रहे। सुना तुमने, हमने तुम्हें शहर का नया मेयर बना दिया। जी, जी महामहिम। आप महान हैं, मैं आपका गुलाम हूं महामहिम। और आने वाले दिनों में तुम अंधेरे के खास गुलाम बनोगे। कल तुम नए मेयर की शपथ लोगे। जी। और उसके बाद तुम गीता विश्वास को यहां बुलाओगे। गीता विश्वास को जरूर बुलाऊंगा, लेकिन लेकिन उसे बुलाने के बजाय ताकि शक्तिमान उसे बचाने के लिए आए और मैं शक्तिमान को मारकर सारे संसार में पाप को फैला सकूं, और उसके बाद मैं लौट जाऊंगा भविष्य में। भविष्य में? हाँ, मैं आज का नहीं भविष्य का किलविश हूँ, और शक्तिमान को खत्म करके सारे संसार में पाप फैलाने आया हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? इस मस्तिष्क नियंत्रण यंत्र से अपने पाप को फैला रहा हूं सारे शहर में, ताकि इस शहर में रहने वालों का दिमाग अंधेरे के कब्जे में आ जाए और ज्यादातर लोग पापी बन सके। ज्यादातर क्यों, सभी क्यों नहीं? क्योंकि जिनके दिलो दिमाग पर पहले से ही पाप होता है उन्हें ही गुलाम बना सकता है अंधेरा। मगर आज शक्तिमान की वजह से कम हो चुका है अंधेरा। बहुत से लोगों के दिलों से पाप मिटता चला जा रहा है। वो लोग अब अंधेरे के गुलाम नहीं बनेंगे, इसीलिए अंधेरे को कल ही खत्म करना होगा शक्तिमान को। दरवाजा का ही नहीं खोलते हो पंडित जी? दूध वाले भैया आ गए। अरे दूध वाले भैया नमस्कार। अरे हम तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आप आएंगे, हमें दूध पिलाएंगे और हम गर्मा गर्म दूध पीकर अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब ये बकबक बंद कीजिए और अंदर जाइए, बर्तन लाइए, जल्दी जाइए जाइए जाइए। आई
लगता है आज इनका इंजन गर्म हो गया है। ठीक है बर्तन लेकर आते हैं। और सुनिए जी, एक ग्लास पानी भी लेकर आइएगा। क्यों, इंजन ठंडा करना है? ये क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, हम जल भी लेकर आते हैं। हाँ, इंजन लगता है बॉइल हो रहा है। ये लीजिए बर्तन और एक गिलास स्वच्छ जल। वाह, क्या दूध है। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे सामने ही दूध में पानी मिला रहे हैं आप? ठीक ही तो कर रहे हैं, आजकल सभी यही करते हैं। परंतु आपने तो हमारे सामने कसम खाई थी कि आप दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। तो फिर आज हम एक और कसम खाते हैं कि हम ऐसी कसम कभी नहीं खाएंगे, दूध में हम पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में दूध मिलाएंगे। दूध लेना हो तो लो, वरना खड्डे में जाओ। चलते हैं। अरे, क्या हो गया इसे? ये तो बदला लग रहा है। अरे यार, इसका सर तो देख, पूरा फुटबॉल लग रहा है। हाथ में एक फुटबॉल और ऊपर एक फुटबॉल। क्या नाम है तेरा? द्विज। मेरा नाम द्विज है। द्विज, पहली बार ऐसा नाम सुना है यार। ये मिक्की और डोनाल्ड का नाम तो सुना था, ये कोई नया कार्टून लगता है। अच्छा चल, फुटबॉल दे हमारी, ये आपकी काम की चीज नहीं है पंडित जी महाराज। क्यों, मैं भी खेल सकता हूँ फुटबॉल। अच्छा तो जोको गीता क्या घूम रहे हो, फुटबॉल खेलना है तो धोती उतार कर पैंट पहन कर खेलिए पंडित जी महाराज। व्यक्ति को जिन वस्त्रों में आराम मिलता है उन्हें वही धारण करना चाहिए। मैं इन वस्त्रों में भी खेल सकता हूँ फुटबॉल। अरे, फुटबॉल कहाँ चली गई? चल हमारी फुटबॉल ला कर दे। तुम्हें तुम्हारी फुटबॉल मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कैसा प्रश्न? मैं शक्तिमान को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि शक्तिमान कहाँ मिलेगा? हमें नहीं मालूम शक्तिमान का पता होता। हाँ, तुम्हें शक्तिमान की फोटो चाहिए तो कॉमिक्स में मिल सकती है। चाहिए क्या? मैंने शक्तिमान की पुस्तकों को पढ़ा है, मुझे उसके चित्र की नहीं उसकी जरूरत है। आप लोगों को यदि पता है तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। चल ज्यादा फेक मत, उसकी कॉमिक्स तो कल निकलने वाली है, हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं। फिर तूने कहाँ से पढ़ ली? जो पुस्तक मैंने भविष्य में पढ़ी थी वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उस पुस्तक को स्वयं गीता ने निकाला था, इसका मतलब ये है कि गीता प्रकाशन के कार्यालय में मिलेगी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनके प्रकाशन का कार्यालय किस स्थान पर है? आगे से लेफ्ट जाना, वहाँ बड़ी बिल्डिंग होगी, भीष्म पब्लिकेशन। और अब चल हमारी बॉल ला। लाएगा क्या, खरीद कर देनी पड़ेगी इसे। लो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, ये लड़का है या जादू? कॉमिक्स का कार्यालय। आखिर हम कामयाब हो ही गए। इतने मुश्किलों के बाद कल शक्तिमान की कॉमिक्स रिलीज हो ही जाएगी ना सुधांशु जी? हाँ गीता, हाँ। और उसके बाद मेरी और तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी गीता। हमारी और तुम्हारी क्यों, सबकी कहो ना। अरे नहीं गीता, नहीं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों, केवल हम दोनों इस कॉमिक्स के मालिक बन सकते हैं। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सुधांशु जी? अरे यही कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों शक्तिमान की कॉमिक्स के मालिक बन सकते हैं। हाँ। ओफो सुधांशु जी, हमारे कॉमिक्स में काम करने वाला हर एक मेंबर इसका मालिक है। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ गीता कि हर मेंबर मालिक क्यों, अरे मालिक तो हम दोनों को बनना चाहिए ना। ये आपको क्या हो गया सुधांशु जी, आप बदल कैसे गए? आपको पता है ना इस कॉमिक्स में सबका पैसा लगा है। पता है, लेकिन कागजी कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं है ना। अगर हम चाहे तो बड़े आराम से कानूनन कॉमिक्स के मालिक बन सकते हैं गीता। यानी कि आप दूसरों का अधिकार हड़पना चाहते हैं। बिल्कुल सही गीता, बिल्कुल सही। अरे यही तो दुनियादारी है,
अगर हम दूसरों की चीज हड़पेंगे नहीं तो हमारी होगी कैसे? आज आपको हो क्या गया सुधांशु जी? आजकल दुनियादारी का मतलब बेईमानी हो गया क्या? इतना बड़ा पाप आपने सोच भी कैसे लिया सुधांशु जी? ये पाप है, ये पाप है गीता। अगर ये पाप है तो हमें ये पाप कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हम दोनों की भलाई है। शट अप, जस्ट शट अप। अरे गीता, आप जाइए यहाँ से। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, आप होश में नहीं है। लेकिन मेरी बात, आप जाएंगे कि नहीं यहाँ से? तुम दोनों के फायदे की बात नहीं समझती हो, अभी मैं क्या करूँ? आप कुछ मत कीजिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। तो जाता हूँ ना, तू चिल्लाती क्यों हो? हाँ जा रहा हूँ ना मैं। God help me। ये क्या हो गया है सुधांशु जी को? पहले से तो ये बेमान थे ही, लेकिन इतने भी बेमान नहीं थे यार। अचानक क्या हो जाता है इन्हें, क्या मालूम। May I come in, दीदी? हेमल, आओ बैठो, बैठो। बोलो। ये हिसाब है जो अब तक खर्च हुआ उसका, आप देख लीजिए। इसमें देखना क्या है, तुम गलत थोड़े ही ना लिखोगे। हेमल, ये क्या है? ये प्रिंटिंग के लिए 10,000 ज्यादा क्यों लगाए हैं? इसमें 5,000 आपका भी है। क्या क्या मतलब? मतलब दीदी, मुझे पर्सनली 5,000 रुपयों की जरूरत थी, मैंने आपका भी ख्याल रखा। इसमें 5,000 मेरे हैं और 5,000 आपके। ये लीजिए, आपका हिस्सा। हेमल! हाँ दीदी, हम दोनों के अलावा और किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, और वैसे भी हमने इन लोगों से ज्यादा मेहनत की है तो हमारा इतना हक तो बनता ही है ना। आपने अगर ये खर्च मान लिया तो सारे लोग मान लेंगे। ऑथोराइजेशन तो आपके हाथ में है ना, लाओ। और वो बाकी के 5,000 है ना, वो भी दो जल्दी। दीदी, डोंट कॉल मी दीदी, मैं तुम्हारे जैसे इंसान की दीदी नहीं हो सकती। लाओ वो 5,000 जल्दी। कॉमिक्स की अभी शुरुआत भी नहीं हुई और तुम लोगों के दिमाग में इतना पाप भर गया है। वो सुधांशु जी, वो अकेले इस कॉमिक्स का मालिक बनना चाहते हैं, और तुम हेमल, तुमने अकाउंट्स में घोटाला करना शुरू कर दिया है। I can't believe it। आज के जमाने में ऐसा ही होता है दीदी। Shut up! Get up! Up! हेमल, आज के बाद मुझे दीदी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें पहले से नहीं जानती होती तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती। Now just get out from here। दीदी, I said get out from here। मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, get out! गीता जी, गीता जी, आपसे एक ठो प्राइवेट में बात करना है। हाँ बोलिए। आपके फायदे के लिए है। क्या फिर से फायदे की बात? जरूर कोई चीटिंग की बात होगी। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, थोड़ा सा हेरा फेरी का मामला है। आप जाइए, जाइए यहाँ से। दोनों को फायदा है। आप जाते क्या नहीं? जरा ठंडा दिमाग से सोचो। आप जाइए यहाँ से। मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। अरे गीते जी, शैल आई कम इन? आप भी? गीते जी, धीरे बोलने का, धीरे। आपको मालूम है हमारी ऑफिस में बहुत गड़बड़ चलते है जी, गड़बड़। क्या? हाँ। That is why, मैं आपके पास एक प्राइवेट बात करने के लिए आया जी। हाँ बताइए ना। प्रॉफिट का बात है जी, प्रॉफिट का। मेरा प्रॉफिट के आपका प्रॉफिट? हम दोनों का प्रॉफिट जी, 50-50। ये लीजिए 50, ये लीजिए 50 चाहिए ना, ये लीजिए। और कोई है क्या? आ जाओ। क्या हो गया इस ऑफिस को, सभी बदले बदले से लग रहे हैं। जिसे देखो, फायदा प्रॉफिट, प्रॉफिट फायदा, प्रॉफिट फायदा। आपको भी प्रॉफिट चाहिए क्या? किस प्रॉफिट की बात कर रही हैं आप मिस गीता? कुमार जी, I'm really sorry। कहिए ना, कैसे हैं आप? आज की एक खास न्यूज़ पता है आपको या नहीं? नहीं, बताइए ना। आज हमारे शहर में एक नया मेयर शपथ लेने वाला है।
नए कहां से कुमार जी? वो तो पुराने ही मेयर है ना मिस्टर त्रिपाठी, वो फिर से शपथ ले रहे हैं। नहीं गीता जी, मिस्टर त्रिपाठी इस बार खुद मेयर नहीं बनकर किसी और को मेयर बना रहे हैं। अच्छा, किसे? सोचिए, अब उनके बाद इस शहर में ऐसा कौन है जो मेयर बन सकता है, बताइए। कुमार जी, आई एम वेरी बैड एट गेसिंग, आप बताइए ना। हालांकि मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता था, चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे शहर के नए मेयर का नाम है मिस्टर कुमार रंजन। What? Now congratulate me. कुमार जी आप? Oh, that's great news. मिस्टर त्रिपाठी और मेरी पार्टी के लोग मुझे जबरदस्ती मेयर बना रहे हैं। कल रात जब आपको घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर वापस लौटा तब मुझे इस बात का पता चला। और तो और आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी है टाउन हॉल में। आप आ रहे हैं ना? मैं आज ही है क्या? हाँ, बस 2 घंटे बाद आप आएंगे ना? अब हाँ आ जाऊंगी। अरे हाँ, आपने कल गंगाधर जी से कहा था ना ऑफिस में आने को, वो आपके ऑफिस आए थे? नहीं, वो शायद आ ही रहे होंगे। तो उन्हें भी आप अपने साथ ले आएगा, ठीक है? अच्छा, मैं उन्हें ले आऊंगी। वैसे गीता जी, आपने मुझे अभी तक कांग्रेचुलेट नहीं किया। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, कांग्रेचुलेशंस। अब मैं सबको गर्व से कहूंगी कि शहर का मेयर मिस्टर कुमार रंजन मेरा दोस्त है। चलिए, आपने मुझे अपना दोस्त माना। वैसे आप शपथ ग्रहण समारोह में आ रही हैं, और हाँ, गंगाधर जी को अपने साथ जरूर लेकर आना। हाँ, मैं उसे भी ले आऊंगी। अच्छा मिस्टर कुमार, मैं आपसे टाउन हॉल में मिलती हूँ। बाय बाय गीता, सी यू। और गंगाधर के वहां आने का मतलब है शक्तिमान भी वहां जरूर आएगा। ये मिस्टर कुमार गंगाधर में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है? जो भी हो, है तो वो एक ईमानदार इंसान, वरना मिस्टर त्रिपाठी उन्हें शहर का मेयर थोड़ी ना बनाते। और हमारे ये ऑफिस के नमूने वही मान कहेंगे, कभी तरक्की नहीं करेंगे। वैसे ये गंगाधर अभी तक आया क्यों नहीं? बैंक में से गोलियों की आवाज। चलो लो, लो। ए, क्या हो रहा है इधर? हाँ, क्या हो रहा है? बहुत सही वक्त पर आए भेंडे तुम। ये लोग बैंक लूट कर जा रहे थे। ये लो बैंक का माल, और ये लो इनकी पिस्तौलें, और इनको हवालात में बंद कर दो ताकि इनको पता चल सके कि बैंक को लूटने का अंजाम क्या होता है। ये ले, चल ले ले, चल ले, चलो फुटो, चलो फुटो। ये क्या किया तुमने भिंडे? ए, सुनो, ऑर्डर नहीं करने का क्या? ऑर्डर नहीं करने का शक्तिमान, अपन को मालूम है क्या करने का है वो। अरे उन्हें भगाकर आप कह रहे हैं कि आपको पता है क्या करना है? अरे पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना होता है, उन्हें छोड़ना नहीं। आप होश में तो हैं भिंडे? अरे अरे, ये बैंक यानी राष्ट्र का रुपया लेकर भाग गए हैं वो लोग। ए, अपन को ये सब बोलने का तेरा काम है क्या? हा? हा? गुंडे बदमाश को पकड़ने का तेरे पास अधिकार है क्या? आइंदा अपने एरिया में आके किसी को पकड़ने का नहीं क्या? नहीं तो तेरे को कुछ पकड़ के अंदर कर देगा, समझा?
कैसी बात कर रहे हैं आप? राष्ट्र की संपत्ति को बचाने का अधिकार देश के हर नागरिक का है। नागरिक? नागरिकता की बात करता है? बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र। किस शहर में जन्म हुआ है तेरा? अरे जन्म का प्रमाण पत्र मालूम नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो होगा ना? कहाँ पढ़ाई लिखाई की तूने? ये 18 साल हो गया क्या तेरे को? हाँ, हो गया क्या? जी। यानी बालिग है, कभी वोट दिया क्या? नहीं, अपुन जानते हैं ना, इसने कभी वोटिंग नहीं किया। अरे वोटिंग करते हुए आदमी को भी नहीं देखा। अरे अपने शहर की मतदार सूची में इसका नाम ही नहीं है। शक्तिमान, आज हाथ में आयो, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। चलो लाइसेंस निकालो, लाइसेंस। लाइसेंस? हाँ लाइसेंस। अरे जब तक हवा में इधर उधर उड़ते रहते हो, उड़ने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस नहीं है ना, फिर तुम पर फाइन लगेगा। और मैं तो फाइन करूंगा ही करूंगा, विमान उड्डयन विभाग भी तुम पर फाइन करेगा। अचानक हवा में आके उड़ने लगते हो, तुमसे टकराकर किसी हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया तो? हाँ, ये लो, लो एक नोटिस मेरे विभाग से भी है। शक्तिमान, शक्तिमान तुमने आज तक कभी इनकम टैक्स नहीं भरा है, आखिर जीने के लिए तुम कुछ तो कमाते होगे ना? मुझे तुम्हारे इनकम की जानकारी चाहिए। यह रहा सरकारी नोटिस। बोलो बोलो, पुलिस के काम में टांग काई को अड़ाता है? नागरिकता बताओ, कौन से देश से आया इधर? लाइसेंस दिखाओ, हवा में उड़ने का लाइसेंस किधर है? इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा अभी तक? आपकी इन सारी बातों का जवाब मैं बाद में दूंगा। देवी जी नमस्कार। शक्ति, गंगाधर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ बैठो। तुम्हें शहर की सबसे बड़ी न्यूज पता है? जी पता है। आप यही कहना चाहती हैं ना कि आज शक्तिमान भैया को भरे बाजार में कानूनी तौर पर बेइज्जत किया गया? क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब हमारे साथ क्या होना था देवी जी, जो कुछ भी हुआ वो शक्तिमान भैया के साथ हुआ। बड़े हीरो समझते थे ना अपने आप को। अरे उनको क्या पता कि कानून जो है वो बड़े बड़े हीरो को भी जीरो बना देता है, जीरो। ओफो, अब बताओ भी ना क्या हुआ। आज कुछ गुंडे बैंक को लूट कर भाग रहे थे, मैं वहां पहुंच गया और मैंने उन्हें पकड़ लिया। क्या अचानक वहां हवलदार महाशय आ गए और उन्होंने उन बैंक के लुटेरों को लूट के माल के साथ भाग जाने दिया। फिर तुमने क्या किया? डांट खाई, हवलदार महाशय से डांट खाई। क्या? जी, और वो हवलदार महाशय कहने लगे कि आपके पास क्या अधिकार है किसी को पकड़ने का, कानून के काम में टांग अड़ाने का। हवलदार ने तुमसे ऐसे कहा? अरे ये तो कुछ भी नहीं, अचानक वहां पर एक और हवलदार आ गया और मुझसे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण मांगने लगा। क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। और तो सुनो, तभी वहां ट्रैफिक पुलिस का हवलदार आ गया और मुझसे उड़ने का लाइसेंस मांग लिया। और तो और, वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर भी आ गया और मुझे इनकम टैक्स की नोटिस दे दी, भरे बाजार में सबके सामने। और शक्तिमान को वहां से चुपचाप शर्मिंदा होकर निकल जाना पड़ा। अब शहर के लोग शक्तिमान के साथ भी इस तरह से बिहेव करने लगे? मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। हर जब मैं उनसे बात नहीं कर पाया तो तुम क्या बात करोगी? उनसे नहीं, मैं शहर के मेयर से बात करूंगी। जिस शहर के लिए शक्तिमान ने बार बार इतना कुछ किया है, उन्हें मुसीबतों से बचाया है, उस शहर के लोग शक्तिमान के साथ इस तरह से बिहेव करेंगे? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है गीता, ऐसा हो रहा है। पता नहीं मुझे आज सब कुछ बदला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर की सारी हवाएं बदल गई हों, सब लोग
बदले बदले से लग रहे हैं मुझे आज। हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, आज ऑफिस के लोग सब बदले हुए से लग रहे हैं। पता है ये लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और आज यही लोग स्वार्थी होकर बेईमानी करने पर उतर आए हैं। ऐसा लगता है कि अचानक ये लोग पापी हो गए हों। मुझे तो लगता है कि सारा शहर ही पापी हो गया है। जिस शहर में शक्तिमान रहता हो वो शहर पापी कैसे हो सकता है। लगता है कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर तुम्हारे साथ शरारत करनी चाहिए होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टर कुमार से बात करूंगी इसके बारे में। मिस्टर कुमार? हाँ, तुम्हें नहीं पता आज मिस्टर कुमार इस शहर के मेयर बनने जा रहे हैं। उन्होंने शपथ समारोह में हम दोनों को बुलाया है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। परंतु मिस्टर कुमार अचानक मेयर कैसे बन गए? कल तक तो उन्होंने हमें नहीं बताया था। ये तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन कल जब वो मुझे छोड़कर अपने घर गए ना, तो तब उन्हें पता चला कि उनके पार्टी के लोग उन्हें मेयर बनाना चाहते हैं। परंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां भी सब कुछ बदला हुआ ही मिलेगा। वहां क्या बदलेगा शक्तिमान? मिस्टर कुमार एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान है। हाँ, उनके मेयर बनने के बाद ये शहर जरूर बदल जाएगा, देख लेना, वो इस शहर को सुधार देंगे। अब चले, चलो भी। ठीक है, चलते। चलो। नमस्कार, नमस्कार, वणक्कम। लीला, बोलो गीता, मैं टाउन हॉल जा रही हूँ, अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा तो बता देना। ठीक है, बता दूंगी। चलो गंगाधर। नमस्कार। हेमल, ये गीता टाउन हॉल क्यों गई है? पता नहीं है। अरे कमाल है यार, तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? अरे गीता का नया बॉयफ्रेंड कुमार रंजन, मेरा मतलब है डियर कुमार रंजन, आज मेयर बनने जा रहा है, टाउन हॉल में उसी के शपथ ग्रहण में गई है ये। अरे वाह, फिर तो गीता दीदी को चांदी चांदी है, मेयर से दोस्ती का मतलब फायदा ही फायदा। एग्जैक्टली हेमल जी। नो, मुझे नहीं लगता है कि गीता ऐसी है, शी इज वेरी ऑनेस्ट। अरे नहीं, जो जितना बड़ा चलाक होता है वो शरीफ होने का नाटक करता है। अरे गीता चुपचाप अपना काम निकाल लेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे ये कौन है भाई? क्या शक्तिमान की कॉमिक्स का ऑफिस यही है? ये माइथोलॉजिकल सीरियल का कैरेक्टर यहाँ कैसे आ गया? अयो तंबी, शक्तिमान के कॉमिक्स का ऑफिस तो यही है जी, लेकिन कॉमिक्स तो कल निकलने वाला है, तुम्हें मेरे साथ आना जी, काम भी तुम्हें बुक करेंगे, बैठो जी। तंबी, शक्तिमान का कॉमिक्स तो कल निकलने वाला है, लेकिन मैं अपने पास थोड़ा कॉपी छुपा के रखा है, तुमको आज मांगता है तो मैं तुमको दे सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा जास्ती खर्चा करना पड़ेगा। लगता है इनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर किल्विश ने इन्हें भी पापी बना दिया है। अजय तंबी, सोचता क्या जी, जल्दी बोलो कितना कॉपीज चाहिए तुमको? जी मुझे कॉमिक्स नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मुझे देवी गीता से मिलना है। देवी गीता से मिलना है? अय्या, ये नाटक कंपनी का ड्रेस पहन के तुमको देवी गीता से क्यों मिलना जी? आप बताएंगे कि देवी गीता कहाँ गई है, मुझे उनसे मिलना है। अय्या, देवी गीता तो टाउन हॉल गया है जी, टाउन हॉल। टाउन हॉल? ओह गॉड, ऑलरेडी हम प्रोग्राम के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलिए चलिए, प्रोग्राम शुरू भी हो गया होगा। ये क्या हो रहा है? चलो चल के देखते हैं। शक्तिमान।